चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सब अगर हाथ तुल के बोलो बोला हरे कृष्णा हरे क्यों बोले ही ना जोर बोलो कृष्णा हरे 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 राम और एक बार जोर से बोले हरे सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। श्री बसंतलाल प्रभु जी अन्य समस्त त्रिदंड पादगण वैष्णव वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। आज हम लोग का बहुत बहुत बढ़िया दिन है। हमारे श्री मधु दीदी जी ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ को उन्होंने जो ट्रांसलेशन की है प्रकाशित की है उसको उपलक्ष्य करते हुए हम लोग सबके सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इसलिए जो ग्रंथ प्रकाश को हमारे गुरुजी एक बात बहुत बढ़िया के बात कहते थे बोले जगत में सबसे बड़ा दान किया है जिसको ब्रज गोपियाँ गोपी गीत में कहती हैं बोले तब कथा मृता स्कूल कॉलेज खोल दे कोई हॉस्पिटल खोल दे कोई अन्य छत्र खोल दे लेकिन जगत में सबसे बड़ा दान है जो कृष्ण कथा को जगत में दान करते हैं सबसे बड़े दानी हैं। लेकिन हमारे गुरु जी और एक बात कहते हैं इसलिए कृष्ण कथा को जो दान करते हैं वो तो जगत में सर्वश्रेष्ठ है ही है लेकिन जैसे कि अभी हमने कृष्ण कथा सुनाई इसको बाद में खत्म लेकिन ये कथा को चिरकाल के लिए उसको ग्रंथ रूप में जो प्रकाश करके जाते हैं जिसको बृहद हमारी जो शास्त्र में बताया बृहद मृदंग प्रभुपाद इसकी उदाहरण देते हैं जैसे एक मृदंग इसकी आवाज़ कहाँ तक चलती है थोड़ी दूर तक चलती है लेकिन ये ग्रंथ की ऐसी दिव्यता है ये ग्रंथ अगर पृथ्वी की किसी कोण में अगर पहुंच गया ना वो ग्रंथ को जो पढ़ लेते हैं उसका हृदय भी कृष्ण भक्ति रस में उसका हृदय भी सराब हो जाती है। इसलिए हमारे मधु दीदी ने ये जो ग्रंथ को उन्होंने प्रकाशित करके गई है ये साधारण बात नहीं एक बहुत बड़ी बात है। ये कथा को चिरस्थाई रूप में जो रख करके दुनिया से जाते हैं इसलिए आप मधु दीदी के लिए जोरदार ताली बजाओ। मधु दीदी ने कितने बड़े काम वो करके गई है। अभी प्रश्न होता है इन्होंने जो ग्रंथ प्रकाशित की है बहुत सारे ग्रंथ है लेकिन उन्होंने कौन सा ग्रंथ उन्होंने स्थापन उसको ट्रांसलेशन करके गई साधारण ग्रंथ को नहीं ये सर्वतम ग्रंथ श्रीमद् भागवत है जिसको कहते हैं
बोले अर्थ अयम ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्य रूप असो वेदार्थ परिवृणित। जितने सारे वेद पुराण इतिहास का जो सार है, इसलिए अभी सुन रहे थे ना, सर्व वेदांत सार ही श्रीमद् भागवत मिश्यते तत् रसामृतस्य तृप्तस्य नान्यत्र स्यात् रति क्वचि। अगर किसने ये भागवत कथा रूपी अमृत में गोता लगा लिया तो, इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते मुहु रह रसिका भूमि भाव का। इसलिए हर समय कथा रूपी समुद्र में गोता लगाते रहो, इससे निकलने का कोई जरूरत नहीं। इसलिए कहते तत् रसामृतस्य तृप्तस्य, इसलिए ये भागवत ग्रंथ, ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ श्री भागवत ग्रंथ है। इसलिए हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, अगर किसी ग्रंथ के ऊपर में विशेष पूर्वक महत्व को समझना तो वो ग्रंथ के ऊपर में चार दृष्टिकोण से विचार करनी चाहिए। बोले पहला नंबर है, कहते भागवत में विषय वस्तु क्या है। बोले विषय वस्तु कोई साधारण वस्तु नहीं, कहते उसमें विषय वस्तु क्या है। बोले आराध्य भगवान ब्रजेश स्तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रजवधु वर्गेण जाकल्पिता। बोले भागवत में विषय वस्तु क्या, बोले साधारण विषय वस्तु नहीं, इसलिए व्यास देव जी समस्त ग्रंथ को रचना करने का बावजूद भी उनको शांति नहीं मिली। वो अशांत होकर बैठे हुए, व्यास देव कौन है, बोले व्यास नारायण स्वयं, वो स्वयं नारायण है, लेकिन इस सारे ग्रंथों को रचना करने का बावजूद भी उनको शांति नहीं मिली। वो क्या शिक्षा देते हैं, बोले जब श्री नारद जी आकर के बोले जथा धर्म दयाचार था मुनि बरज्ञान कीर्तित न तथा वासुदेव समहिमा जन वर्णित, इसलिए तुमको शांति नहीं मिली, तुमने जितने धर्म अर्थ काम मोक्ष को जितने तुमने बढ़ा चढ़ा करके बताया ना, भगवान की मधुर लीला को तुमने वर्णना नहीं की। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं, बोले तुमने ये बात लिखी जहाँ कृष्ण परात्पर तत्व होते हुए भी जहाँ सखाओं को झूठन खाते हैं, श्रीराम को साथ में मल्ल युद्ध करते करते कृष्ण हार जाते हैं, बोले घोड़ा बन ले चल माटवन से लेकर के हमें भांडीरवट तक ले चल, बोले मैं नहीं चलूंगा, बोले इसको अकेले कर दो, इससे कोई बात नहीं करना। कृष्ण के तो भैया ऐसे मत किया करो, मेरे को भले घोड़ा बना दो। जहाँ पर भक्तों का प्रेम में अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक, जहाँ पर प्रेम की बसीमुत्तत स्वीकार करते हैं, विश्व ब्रह्मांड को जो माया के द्वारा बांध जो नचाती है मैया जसोदा, उसको उकल में बांध देती है, हैं मैया जसोदा की प्रेम में बसीमुत होकर के मैया कहते लाला तुमने मक्खन खाई, बोले मैया मोरी मैंने ही मां खा, जहाँ पर डर जाते हैं ना हम भक्षित बानम हो सर्व मिथ्या भी संसिनम, जहाँ पर स्वयं परात पर तत्व डर करके मैया से झूठ बोल देते, लिखे हो बोले नहीं तुमने ये लिखे हो, जहाँ परात पर तत्व होते हुए भी जहाँ ब्रज गोपियों के चरण में कृष्ण क्या कहते हैं, ना पारे अहम निरबद्ध संजुजाम स्वसाधु कृत विबुधाई स्वसाविव, जहाँ पर कृष्ण डीग हंते हंते आते हैं ये जथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यम, कृष्ण की बहुत बड़े डिकलारी बात है, जो जैसे मुझे भजन करता है मैं उसको वैसे भजन करता हूँ, लेकिन जहाँ पर ब्रज गोपियों को रासलीला में वही परात पर तत्व आकर कहते हैं ब्रज गोपियों, ब्रह्मा जैसे परमायु लेने पर भी कभी मैं तुम्हारी नीवी को कभी पूरी नहीं बन सकता हूँ, जहाँ पर कृष्ण स्वयं क्या कहते हैं, बोले स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम, जहाँ पर अपना मोर मुकुट उतार कर रख देते हैं, बोले सारे नृत्य विद्या की कला तेरी चरण में, जहाँ पर बंसुरी रख देते हैं बंसी को द्वारा ही विश्व ब्रह्मांड में त्रिजगत मानसा कर सी मुरली कलगुंजित, जिस बंसी ध्वनि को द्वारा विश्व ब्रह्मांड को मैं मुग्ध करता हूँ, बंसी का सारे विद्या भी तुम्हारी चरण में, हे राधे अभी तो मान जाओ, जो मानती नहीं स्वयं कृष्ण स्वयं अपना सर को राधा रानी के चरण में रख लेते हैं, जहाँ पर कभी जयदेव डरते हुए लिख नहीं पाते, बोले लिखे हो, बोले नहीं, बोले इसीलिए तो शांति नहीं मिल रही है।
तुमने भगवान की मधुर लीला को द्वारा हृदय जो सरसता है ना, केवल लीला को द्वारा ही सरसता प्राप्ति होगी, नहीं तो प्राप्ति नहीं होगी। कहते भागवत में जो विषय वस्तु है ना, वो साधारण कोई विषय वस्तु नहीं, बोले आराध्य भगवान ब्रजेश स्तनया ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर की, बोले सर्वतम प्रेम में क्या है, बोले ब्रज वधु बर गेण जा कल्पिता, ब्रज वधु ने जिस प्रेम को उद्धव जैसे, जिसको हमारे सनातन गोस्वामी कहते हैं ज्ञानी भक्त प्रेमी भक्त प्रेमा पर प्रेमातुर सर्वश्रेष्ठ उद्धव जैसे व्यक्ति भी जहाँ ब्रज में आते हैं जिस प्रेम को देख करके झंडा को देख करके कहते बंदे नंद ब्रज स्त्रीना पाद रेणु अभिन्न स, राधा जी की चरण की एक धूल को और जहाँ पर उन्होंने तीर्ण गुल्म औषधि वृक्ष के रूप में ब्रज में जन्म लेने के लिए प्रार्थना करते, बोले लिखे हो, बोले नहीं, बोले इसीलिए तो शांति नहीं मिल रही। इसलिए भागवत की जो विषय वस्तु है, बोले ये किसका सिद्धांत है, बोले श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदम तत्रादर ना पर। कहते भैया और किसी की सिद्धांत को स्वीकार मत करो, करना तो श्री सचिनंदन गौर हरि, केवल इनकी सिद्धांत को ग्रहण करो। इसलिए पहला नंबर है विषय, दूसरा नंबर है भागवत। अभी सुनेंगे कहाँ पर, बहुत अच्छी बात कह रहे थे विश्वनाथ चक्र ठाकुर, मना कर देते भैया ये कान रूपी दुना सबको मत दिया करो, ये कान दुने में हम जूस पीते हैं ना, कहते ये कान रूपी दुना सबको मत दिया करो, मना कर देते हैं। भले कारण क्या है, भले जिसको संबंध ज्ञान पता नहीं, संबंध जोड़ना तो किसको साथ में संबंध जोड़ोगे, जिनको ये ज्ञान पता नहीं, कहते नहीं। इसलिए हमारे शास्त्र ने क्या बताया, अवैष्णव मुखत गिरनम पुतम हरि कथा मृतम श्रवण नैव कर्तव्यम सर्पोचिष्ट जथा पय, दूध जैसे पुष्टिकारी है लेकिन वही दूध में जब सर्प मुंह लगाती है वो जहर बन जाती है। लेकिन कौन सा वैष्णव से सुननी चाहिए, हमारे पंडित जी बुरा नहीं माने लेकिन हमारे चैतन्य चरितामृत में कहते हैं जाओ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने और एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे, चैतन्य भक्त रे तुम्हें नित्य कर संग तबे तो बुझीवे तुम्हें सिद्धांत तरंग। अगर सिद्धांत के रस में प्रवेश करना चाहते हो, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं जब तक श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी इनकी चरण में शरणागत नहीं होते हो, इनकी अनुगत में नहीं पढ़ते हो, तब तक भागवत की पूर्णतम प्रकाश आप नहीं समझ सकते हो। ये बात को कौन कहते हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये बात को कहते हैं। अब पंडित जी अच्छी बात कह रहे थे, जब तक श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को टीका को अनुधावन नहीं करो, जैसे पहला श्लोक को जो जन्मादश श्लोक को, इसको तो उन्होंने कृष्ण पर किसने व्याख्या की, लेकिन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते नहीं वो पूर्ण नहीं है। वहां पर उन्होंने कहते हैं सत्यंग परम धीमही, ये जो परम शब्द है पराम च परम चैति परा देवी कृष्णमय प्रता राधिका परा देवता, इसलिए जो पहला जो श्लोक है कहते परा देवता श्री राधा रानी की वंदना की है, बोले जन्मादस्य जत जिनसे आदि रस की सृष्टि, बोले किससे है, बोले श्रीमती राधा रानी से ये सृष्टि होती है। इसलिए अद्भुत रूप में उस लोगों को व्याख्या करते हैं। इसलिए कहते भैया जो विषय वस्तु साधारण नहीं, श्रवण कहाँ से करो, वैष्णव से सुनो, जहाँ कहाँ से नहीं सुननी चाहिए। पंडित जी बहुत अच्छी बात कर रहे थे, जो वक्ता है अभी भक्त रहते हैं लेकिन भागवत का कोई सचमुच से जो मूल विषय को ग्रहण नहीं करते, बहुत अच्छी बात बता रहे थे। ये परम का जो अर्थ आपने किया अभी, पराचा परश्च इति परम, तो पाठ क्या मानेंगे, परम पाठ मानेंगे, परम है वहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सत्यम परम, जो परम शब्द है साधारण रूप में जो परम शब्द कृष्ण के लिए बताया गया, कृष्ण के लिए परम शब्द, लेकिन इसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते नहीं ये परम तो कृष्ण के लिए है ही है, लेकिन अकेला कृष्ण को उपासना नहीं होता है, कृष्ण को साथ में श्रीमती राधा जी की उपासना हो तो तभी वो उपास्य को सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो परम शब्द को जो कृष्ण के लिए जो बताया गया है, लेकिन वहाँ पर उन्होंने राधा रानी को भी लगाते हैं, बोले जुगल उपासना करनी चाहिए, फिर उन्होंने पूरी श्लोक को उन्होंने श्री राधा पर भी उन्होंने व्याख्या करते हैं कहाँ पर राधा रानी की। ये तो तत्व सत्यम, ये तो ठीक है आपकी बात, पर व्युत्पत्ति क्या है, मेरा प्रश्न यही है। परम परम शब्द तो ठीक है, और परम राधा रानी पर अर्थ लगाते हैं वो भी श्रेष्ठ है,
उसमें भी मेरा कोई दूसरा मत नहीं है, लेकिन परम शब्द से क्या व्युत्पत्ति, ये प्रश्न है मेरा। उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका में उन्होंने जो बताया मैंने उसको बताया, इसलिए जो शब्द है ये कल्पना, मैं देखूंगा, है ना, मैं देखूंगा, आप देख लेना शब्द को। इसलिए कहते उसमें, कहते भागवत तो भैया कहाँ से सुना, बोले वैष्णव से सुना। फिर कहते हैं भाई भागवत का अधिकारी कौन है, भागवत को कौन सुन सकते हैं? अगर कोई बोले हम तो बड़े अपराधी, हम कथा नहीं सुन सकते हैं, इसलिए उन्होंने उदाहरण देते हैं धुंधुकारी जैसे कोई पापी इतने बड़े नहीं हो सकता है। कहते जिसको 100 बार पिंड देने पर भी जिसको मुक्ति नहीं हुई, मुक्ति किससे हुई है? बोले श्रीमद् भागवत ग्रंथ से ही उनको मुक्ति हुई। अधिकारी कौन है? बोले पापी से पापी भी अगर कथा सुने वो भी कथा पार हो सकते हैं। अगर कोई बोले अरे हम तो बहुत सुन कर रखे, हमें कथा बता की क्या जरूरत है, तब सिर्फ उदाहरण देते हैं आप सुखदेव गोस्वामी जैसे इतने ब्रह्मज्ञानी नहीं, जो संपूर्ण आत्मा में संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान में जो प्रतिष्ठित थे हैं, लेकिन जब उन्होंने भागवत का केवल एक श्लोक को, कृष्ण की माधुर्य को उन्होंने एक श्लोक को सुने, उन्होंने सारे ज्ञान ध्यान को छोड़ करके संपूर्ण ये श्रीमद् भागवत कथा में डूब गए। इसलिए कथा सुनने का अधिकारी कौन है? बोले कि पापी से पापी भी सुन सकता है और एक ज्ञानी से ज्ञानी भी कथाओं को सुन सकते हैं। इसलिए विश्वनाथ चक्र ठाकुर वो तो बहुत अच्छी अच्छी बात बताते हैं भागवत का विषय के ऊपर में, क्यों ये भागवत ग्रंथ ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इसलिए हमारे मधु दीदी ने बहुत बड़ी काम किया है, हम इनके लिए ताली बजाओ। ये मधु दीदी ने जो इतना बड़ा सुंदर ग्रंथ को जिन्होंने चिरकाल के लिए उन्होंने जगत में रख कर गए, वंशा कलम दरभेश्वर कृपा सिंधु गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे।